हमारे रामजी लाल मास्टर साहब हैं, ये प्रधानाचार्य से रिटायर हुए, जरा इनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। मैं अपनी तरफ से धूम सिंह जी का स्वागत करता हूं। बेटे बैठेंगे, ये स्वागत की श्रृंखला पहनाए, तालियां बजाकर स्वागत करें। तो अब भाई कई बार आएंगे तो फिर उन नाम से भी वाकिफ होंगे। आइए 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 साहब, आइए आइए, ये कुर्सी खाली है। हाँ, तालियों से स्वागत करें। यह है, कुर्सी खाली है, ले ले, उनको बैठाओ, बैठे। कोई बात नहीं। जब कोई भी चुनाव होता है कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ नहीं ना पहने रहे, ऐसी कोई बात नहीं। हट जा बेटा, इधर आ जा, चोट चाटने लगे। इस अभियान की आज से शुरुआत है। थोड़ा सा मैं आपका की तरफ इशारा कर दूं, इस चुनाव में चेयरमैन के चुनाव में हमारे बाबू जयपाल सिंह जी क्यों आ रहे हैं मैदान में, क्या इसके पीछे राज है। अब से 8 साल पहले ये जो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेश के नाम से ये हॉस्पिटल इस क्षेत्र में कितना फेमस था, जिला पंचायत अध्यक्ष ने उसको बेच दिया, उसको उसमें हॉस्पिटल की जगह उसमें दुकानें बना दी। हमारे ये खान साहब हैं, जरा खान साहब खड़े हो जाएंगे, इनके पूर्वजों ने 12 बीघा जमीन उसको दान दी थी हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब ये नए बच्चों को नहीं मालूम है, लेकिन ये हमारे जैसे उनको मालूम है, काजी जी ने दी कि यहाँ इस क्षेत्र में। भैया ना शांत रहेंगे बेटा, मेरी तरफ को फोकस करेंगे, वो कर देंगे जैसे भी टांगे। आप लोग मेरी तरफ, 14 बीघा वो जमीन इनके पूर्वजों ने वो सरकारी हॉस्पिटल की दान दी थी, और उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष ने, और मैं तो कह रहा हूँ जिला प्रशासन ने मिलकर उसको दुकानें बनाने का निर्णय ले लिया और उसको ढा दिया। 8 साल से पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, जरा मेरी बात बड़ा गंभीर है, जरा ध्यान से सुनना। ये भाई भुवनेश जी हैं, वो जयपाल सिंह जी के बेटे हैं। इनके अंदर एक टीस उठी कि भाई ये सरकारी हॉस्पिटल की जमीन, अस्पताल की जमीन में दुकानें मार्केट कैसे बन गई। इनके कुछ साथियों ने मिलकर और उसको इतना प्रयास किया, और आप युवा जितने हैं जरा सुन लें मेरी बात, कि अपना पैसा खर्च करके अपने साथियों से मिलकर और उस पर स्टे ले आए हैं, और आप सब देख रहे हैं डिबाईवासी कि उसमें दुकानें बन गई, लेंटर तक पहुंच गई रातों रात, और उस पर स्टे आज भी 8 साल से
बरकरार है और उसका प्रयास आगे जारी है। तो साथियों, इनके अंदर ये टीस हमारे अंदर भी, हम भी टीम के हैं, भले ही हम जो है दूसरे गांव से हैं, लेकिन ये टीस है कि यहाँ इस स्थान पर हॉस्पिटल ही बनना चाहिए। उस टीस को लेकर ये नगरपालिका की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। बहुत संपर्क किया, दो चेयरमैन बदल गए। भैया नेक शांत, मेरी बात समझे। हाँ, लेकिन अब आ गया चुनाव। हम लोगों ने भी सुझाया और इनके एक अंदर एक जगी कि अगर हम चेयरमैन हो जाते हैं, अगर हमको जनता चेयरमैन बना देती है, तो 100% चेयरमैन के पद से इस पर जो कार्रवाई होगी, जो प्रस्ताव जाएंगे कोर्ट को, वो मान्य होंगे। यहाँ के चेयरमैन जो भी हुए, उनसे बहुत अनुरोध किया गया कि आप इस तरीके का हाई कोर्ट के लिए एक प्रस्ताव दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ तो कुछ चंद लोग, अब आपको ये लगेगा कि जिनको ने जिनकी दुकान मिलनी है वो कुछ चंद ही लोग हैं, 100-125 दुकान है, एक एक में 6-6, 50,000 रुपये रसीद कटी है सरकारी, लेकिन किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख रिश्वत दे दाकर वो इस तरीके से। तो मुख्य उद्देश्य है इस चुनाव में उतरने का कि हमको सरकारी जमीन पर सरकारी हॉस्पिटल बनवाना है। तालियां बजा दें इस बात के लिए। हाँ, इसलिए आप सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इनको, आप तो सामने हैं ही, चेयरमैन पद का, चेयरमैन का चुनाव जीतना है, वो आपकी ही जीत होगी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। देखिए, मैं एक शब्द, एक बात मेरे दिमाग में हर समय रहती है कि पुरखे अगर घर का मुखिया कुछ गलती कर दे तो उसका खामियाजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आप भी विचार करते होंगे, पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरीके से आप इस पर मनन करिए, चिंतन करिए और अपने जितना प्रयास हो सके, जितना आपके अंदर काबिलियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए भाई चेयरमैन पद का चुनाव आपको जीतना है। ये आपकी अपनी जीत होगी, आपके डिवाई की जीत होगी और वहाँ पर भव्य हॉस्पिटल का निर्माण जब होगा तब कितनी अपार। देखिए, ये कहने के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हमको और आपको पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं है। जो एक हॉस्पिटल वहाँ बना दिया, ये जनप्रतिनिधि कहते हैं वहाँ बना तो है सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ। तुम में से यहाँ जितने बैठे, क्या उस हॉस्पिटल में गए हैं? इस समय की वर्तमान सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हमारे पास इतनी जगह है यहाँ के एक बहुत अच्छा सुपर, जिसमें सभी सुविधाएं हों, और यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है और होगा अगर आप लोग संकल्पित हो जाएं। आप संकल्प कर लें कि भाई ये बात जो है बहुत ही उम्दा बात है, इसको तो सबके लिए करना चाहिए, हमारे और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर हमें आगे की कार्रवाई के लिए मंच को भुवनेश जी को समर्पित करता हूं। आइए साहब। यार सुने, मैं नाम से तो मैं इंगित नहीं कर रहा हूं। हाँ, इस हॉस्पिटल के बिंदु पर, इस चुनाव के बिंदु पर कोई बात कहना चाहें। अब तक ये होता है कि एक तरफा बात सुनते हैं, आप भी अपनी बात को कहें।
मैं भाई जी का नाम नहीं जान रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी कुछ कहें। तो साहब कोई बात करनी है बाबा? कोई हाँ आइए शांति से भाई बात चलती है। हमारे जो आए हुए हैं जो सब इन्होंने रखे हैं वो माननीय है, समझे? मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। अरे हाँ आइए। नहीं, हर किसी को प्रैक्टिस नहीं होती है बात कहने की, इसीलिए मैंने इतने लोग बैठे हैं, मैं कोई तो कुछ कहें। उन्होंने दिगंबर सिंह जी ने अपनी बात सब जितने भी यहाँ बात रखी गई उनका समर्थन किया, एक शब्द में ही सबरी बात हो जाती। आप ही आ जाओ, आप ही कुछ बोल दो, दो शब्द कुछ भी तो कह दो। इस चुनाव को आप बहुत महत्वपूर्ण चुनाव समझे दिवाली के लिए, उसके लिए अरे आओ दो शब्द कह दो। आप पूरे हाँ सब संतुष्ट हैं, सभी संतुष्ट हैं, सभी ने बात हमारी सुनी है। हाँ तो अब मैं भाई जी से अनुरोध करूंगा। तालियां, यही है समर्थन, यही समर्थन मिल रहा है। और हाँ एक चिंगारी, देखिए आप यहाँ इतने ये कम लोग न समझे, ये एक आग की एक चिंगारी पूरे जंगल में फैल जाती है, इसलिए आज की ये बैठक पूरे डिबाई में ये बात फैल जाएगी कि जयपाल सिंह के द्वारा वहाँ पे एक बैठक हुई है। आपके सामने अपनी बात रखे आज की बैठक के अध्यक्ष जी और मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे मंत्री जी आपसे सब कहें उन पर ध्यान दें और उनका अनुसरण करें। जरूर क्या कहा, अगर आप इनकी बातों को समझ कर जो हमें वोट देंगे हम आपके सामने चेहरा बनेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। इसके साथ में आप जी आज का सभा के अध्यक्ष ओम मुनि जी इस कार्यक्रम का समापन घोषित करेंगे। स्वामी जी ओ आज की इस नक्कड़ छवा में एकत्रित हुए बैठी हम मेंबर अच्छा अच्छा ना लगे बच्चों और नौजवानों, मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जयपाल सिंह जी प्रत्याशी चेयरमैन पद की तो इनका उद्देश्य है, देखो भुवनेश जी ने जो काम किए उनके सहयोग में हम लोग नेक देर भैया साहब 100 लोग रहे, दिवाई के भी रहे, बाहर क्षेत्र के गांव पे भी रहे। और अस्पताल के बारे में इन्होंने जो कहा है, इतनी सारी दुकानें हैं उनको ये सारी बनकर तैयार हो जाती और अपना अपना कब्जा ले लेते, लेकिन ये भुवनेश जी का ही काम है जो आज तक रुकी पड़ी है। इनके लिए प्रलोभन भी दिए गए, ये प्रलोभन दिए गए कि आप दुकानें ले लो, पैसा ले लो, आप बैठ जाओ काम मत करो।
विरोध मत करो, लेकिन नहीं, इन्होंने ये कह दिया कि मैं अपनी सत्यता पर रहूंगा, मैं कोई रिश्वत नहीं लूंगा, कोई आप लोगों से किसी तरह का कोई विचार विमर्श या सहयोग नहीं लूंगा, मैं अपने जो अडिग रहूंगा कि यहाँ अस्पताल था, अस्पताल में रहे और अस्पताल और इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर इसके ले लिया। यहाँ इन्होंने बहुत कोशिशें की, यहाँ से लोग अधिकारियों ने इनके विरोध में काम किए, नहीं माने, लेकिन इन्होंने जाके हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाके इन्होंने जो स्टे लिया और वो स्टे की बदौलत है कि आज तक कोई धोखा तो रुका पड़ा है। और भविष्य में ऐसे काम करने वाले को, ये पिताजी हैं और ये भी उसी काम को करेंगे जिस तरह से अपने जी ने किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि भाई सब लोग इन्हें चिताएं इनके पद के लिए, और इनसे जो है जो भी काम हो उसका काम का सहयोग लें। शांति पाठ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति प्रति शांति आपा शांति अपने अपने कार्य की तरफ जाएंगे, जहाँ जो भी जो कार्य कर रहे हैं सफलता वहाँ मिलती है। हम तो ये कह रहे हैं पूरा पुरुषार्थ भी करना है, चाहे कोई दुकान कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस, कोई जो भी काम कर रहा है। और बच्चे अब ये प्रसाद